अस्सलाम जी, कैसे हैं आप सब लोग। तो बस रमज़ान के रोज़े चल रहे हैं और सहरी करके सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये जो आवाज़ें हैं इन्होंने मुझे सोने नहीं दिया। ये कह रहे हैं पिछली दो तीन वीडियो जो भी मैंने बनाने की यहाँ पे खड़े होकर कोशिश की है, तो दो तीन दफ़ा ऐसा हुआ कि इनकी आवाज़ पीछे से जो है कट करनी पड़ी है। तो आज मैंने सोचा कि इन्हीं पर वीडियो बना देते हैं। आपको अंदर जा के दिखाता हूँ, ये घर के अंदर ही छोटा सा एक देसी मुर्गियों का जो फार्म है ये बनाया हुआ है। ये देखिए जी, माशाल्लाह सबके अलग अलग कमरे हैं। ये जाली इसलिए लगाई है कि आपस में जो है लड़े ना। तो ये हैं जी हमारी मुर्गियाँ। ये अब्बू ने दो तीन मुर्गियों से शुरू किया था और शौक बढ़ता बढ़ता माशाल्लाह इतना ज़्यादा हो गया। तो इसका फ़ायदा ये हुआ कि जो देसी अंडे हैं वो खाने को मिल जाते हैं और कुछ अंडों से बच्चे भी निकलवा लेते हैं। तो पहले ऐसा होता था कि बच्चे निकालने के लिए मुर्गी को बिठाना पड़ता था, आजकल जो है मशीनें चल पड़ी हैं। तो ये जाली लगाई इसलिए है क्योंकि ये बाहर ना आ सकें, और बड़ा इको फ्रेंडली अब्बू ने माहौल इनको दिया हुआ है। पौधे लगे हुए हैं, ठंडी हवा इनको मिल जाती है, और मिट्टी की वजह से जो है वो कचरा भी जो गंदा इनका वो बाहर गराज से गंदा नहीं होता और अंदर के अंदर रहते। सबको अलग अलग रखा हुआ है ताकि आपस में लड़े ना। फिर भी इसमें से एक ये वाली है जो उड़ के जो है बाहर आ जाती है, गराज में गंद डाल देती है, लेकिन खैर कोई नहीं। अब इसके लिए भी ऊंचा थोड़ा सा कर दिया है कि बाहर नहीं निकले ये। तो ये वो मुर्गियाँ हैं जिनका खान साहब ने बोला था कि मैं अपनी आवाम से जो है वो बिज़नेस करवाऊंगा मुर्गियों का, देसी मुर्गियों का। अब उन्हें तो ये अपने शौक के लिए रखे हैं। जो अंडे होते हैं वो हम घर पर इस्तेमाल कर लेते हैं, कुछ में से जो अब वो बच्चे निकलवा लेते हैं। तो आप सबको बताने का सिर्फ मकसद ये है कि इसको अगर आप लोग एज आ कारोबार जो है वो चलाना चाहते हैं तो इसकी क्वान्टिटी ज़्यादा कर लें मुर्गियों की, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी मकदार में जो अंडे हैं वो मिल जाते हैं देसी, उनको आप बेचें या उनमें से बच्चे निकलवाएं, मुर्गियां ज़्यादा करें, वो सब आपकी मर्ज़ी है। तो ये जी इनका खाना, ये बाजरा है और ये मिक्स दाना है, ये इसका मुझे पता नहीं है क्या है। ये मशीन है एक अब्बू ने जो देसी तरीके से पहले बनाई थी, तो ट्राई की थी, कोशिश की थी बनाने की। तो ये मैं आपको लाइट ऑन करके दिखाता हूँ। ये इसके अंदर बल्ब लगा के हीट देने के लिए, लेकिन इससे काम नहीं बना, अंडे ख़राब हो गए थे हमारे। तो अभी जी खान साहब चले गए हैं और लोड शेडिंग जो वापस शुरू हो गई है। अब ये मशीन उठा के हमने अंदर रख दी, यूपीएस यहाँ पे लगा हुआ है, क्योंकि एक दफ़ा पहले भी हमने अंडे जो ऐसे गलती से ख़राब कर दिए थे। ये टेम्परेचर इसका सेट है, ऑटोमेटिक मशीन इसके साथ लगी हुई है। ये अंडे हमने डेट लिखी हुई है अंडों पर, नीचे प्लेट में पानी पड़ा हुआ ताकि इसके अंदर जो नमी है वो बरकरार रहे। तो जब भी टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन होता है इसके अंदर बल्ब एक लगा हुआ है, वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है, उसी से उसको हीट मिलती है। एक छोटा सा पंखा लगा हुआ है इसमें, अभी आपको ऑन करके दिखाते हैं। ये जी इसकी लाइट जो ऑन होगी इसी से इसको हीट मिलेगी। छोटा सा ऊपर पंखा लगा हुआ है इसके। ये देसी टाइप की एक मशीन बनाई है उन्होंने, देसी अंडे और देसी मशीन। तो हमारे अंडे क्योंकि थोड़े होते हैं इसलिए हमने मशीन जो छोटी ली। तो ये मशीन तकरीबन आती है 4000 की। अगर आपके जो अंडे बहुत ज़्यादा होते हैं तो आप फिर मशीन बड़ी ले सकते हैं, और उतनी ज़्यादा महंगी होगी वो। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और अभी इंशाल्लाह जो वीडियोज़ हैं वो हफ्ते में दो या तीन वीडियोज़ जो है वो अपलोड किया करूँगा मैं, क्योंकि दोबारा जो अकाउंट है वो मैंने रीएक्टिव किया एडसेंस का। तो क्योंकि मेरे यूट्यूब का जो वॉच टाइम है वो पूरा होने में तकरीबन 600 घंटे बस वो रह गए, बाकी तीनों चीज़ें जो कंप्लीट हो गई हैं, सब्सक्राइबर्स भी पूरे हैं, उसके बाद टू स्टेप वेरिफिकेशन वो भी पूरा है, उसके बाद कोई भी कॉपीराइट क्लेम नहीं है मेरी वीडियो पर। तो जो बाकी का जो वॉच टाइम है वो आप लोग पूरा करवा देंगे, मैं वीडियो इंशाल्लाह बनाता रहूँगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।